मैं स्वार्थी बाजार हूं, मैं बड़ा अंधकार हूं, इस बड़े अंधकार में क्या जीने का अधिकार है? बोलो ना 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 ना, मैं ऐसा अंधकार हूं। आप समझ रहे होंगे मैं कौन हूं, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मैं हूं खतरा, ऐसा खतरा जो लोगों को ना दिखता हूं ना समझ में आता हूं, मुझे इंसानों ने बनाया है इंसानों के लिए। मैं भारती हूं, आप कह रहे हो इंसानों के लिए खतरा हो, वो कैसे? मैं लोगों के दिमाग पे अटैक करता हूं। अच्छा? हाँ, और उनकी आइडियोलॉजी की को और उनके सोच को प्रभावित करता हूँ पूरी तरीके से। अच्छा, अरे हम भारत के लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए मजबूत संविधान बनाया है जिसमें हमारा अधिकार भी है, फिर आप कैसे उनके सोच को बदल दोगे? मजबूत संविधान को इस्तेमाल करने के लिए, उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी समझ की और सही नीयत की सरकार चाहिए। हाँ तो है ना, संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है, अच्छी सरकार चुन लेंगे वोटर। अगर हिंदुस्तान के वोटर अगर सही अपना मायना समझ ले तो ये स्थितियां नहीं आनी थी। लेकिन मैं क्या करूंगा पता है तुम्हें? क्या करेंगे आप? मैं उनमें लालच का बीज डाल दूंगा, फिर वो लालच में आ जाएंगे। हाँ, फिर मेरा काम हो जाएगा। अरे मैं आपकी मनसा समझ रही हूँ, मैं उनको बताऊंगी कि लालच में नहीं आएंगे मीट दारू सामान के। आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा हाँ। वैसे तो ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि इतने सालों से सही तरीके से वोटर ने अपना इस्तेमाल किया नहीं है, फिर भी अगर वो लालच से ऊपर उठ जाएंगे तो पता है मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे आप? मैं उनमें जातिवाद का बीज डाल दूंगा जिससे वो ऊंचा नीचा तेरा मेरा करते रहेंगे और बढ़ जाएंगे। बट जाएंगे। हमारे देश की सभ्यता और सिद्धांत वसुदेव कुटुंबकी है, मैं उनको बताऊंगी एक लकड़ी आसानी से टूट जाएगी, कई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर अगर आपको दिया जाए तोड़ने के लिए कहा जाए तो तोड़ पाएंगे क्या आसानी से? मैं ये समझा दूंगी उनको। ये उदाहरण देते देते तुम्हारे बाप दादा मर गए लेकिन अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया कि इकट्ठे रहना है। हाँ। और तुम ज्यादा बोल रही हो ना। हाँ। आजकल तुम्हारी ज्यादा आवाज निकल रही है ना, मैं तुम्हें भी किसी ना किसी ऐसी चीज में फंसा कर और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अरे एक तो आपका दिख ही रहा है, हमारा देश गंगा जमुनी संस्कृति से पला बड़ा है, वो आपका सामना कर लेंगे। आस्था अंधविश्वास में लिप्त है, दूसरा उनको धर्म के भव सागर में धकेल दूंगा, फिर उसके बाद वो आपस में लड़ते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और उनको खुद ही वो एक दूसरे के लिए खतरा बन जाएंगे और सबको नजर आने लगेगा अपना अपना धर्म खतरे में। और मैं हमेशा प्रयत्न करती रहूंगी और गीत गाती रहूंगी, वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है, मुस्लिम कहता मक्का मेरा अल्लाह का ईमान है, दोनों लड़ते लड़ लड़ मरते लड़ते लड़ते खत्म हुए, दोनों ने एक दूजे पर न जाने क्या क्या जुल्म किए, किसका है ये मकसद किसकी चाल है ये जान लो, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को मत बाटो इंसान को। बहुत बढ़िया, आप तो कठपुतली होकर इंसानों को न बटने की बात कर रही हैं, ये अच्छी बात है। आप लोग भी समझिए, आजकल और वैसे भी ये जो अलगाववाद है, जो आपस में लड़ाने की बात है, इससे बचना चाहिए। आप सोचिए हमारे देश में हमें क्या मिलेगा अगर हमारे लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी दुश्मन में अगर देखेगी, दुश्मनी में जिएगी
तो हम कैसे विकास करेंगे। अगर आपको हमारी बात समझ में आई है तो इसको शेयर कीजिए, इसके ऊपर आप कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक पोटली रेत की और YPP के मन से अब बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में, आपने हमारा कार्यक्रम देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी और विचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को।